नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम उपन्यास और उपन्यासकार को याद करने की ट्रिक देखने वाले हैं। ये झारखंड साहित्य से संबंधित उपन्यास है और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको कई सारे यकीन के साथ बोल रही हूँ, आपको कई सारे जो है उसके रचनाकार याद हो जाएंगे। हाँ, सारे मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो ट्रिक्स मेरे पास है उसे मैं ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है राजपूतानी शान, राजपूतानी शान रामचीत सिंह वल्लभ। तो इसका ट्रिक दोस्तों ये है कि राजपूतानी शान जो है, हमने देखा राजपूतानी शान देखने से हमें उससे लव हो जाता है। राजपूतानी शान बहुत ही अच्छा लगता है। राजपूत लोग जो है तलवार लिए रहते हैं हाथ में, माथे पे तिलक लगाते हैं, उनके वेशभूषा जो है, खाने पीने का ढंग सभी जो है उससे हमें लव हो जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है राजपूतानी शान देख के। हमने जो टीवी में भी हम देखते हैं कोई राजपूतों से संबंधित मूवीज़ होती है तो हम राजपूत हैं इस तरीके से बोलते हैं। उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है जो देखकर हमें, और उन वो जो उनका जो होता है, जैसे पृथ्वीराज चौहान कौन थे, राजपूत थे और वो काफ़ी बहादुर थे, उनकी वीरता देखकर हमें उनसे लव हो जाता है। तो इस तरीके से याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, राजपूतानी शान रामचीत सिंह वल्लभ। एक और ट्रिक है दोस्तों मेरे पास, देखिए यहाँ जो नाम है रामची, रामची कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे रामचीज लिखा रहता है, रामचीज रामचीत सिंह वल्लभ, पर कई बार रामची ही रहता है। तो चीज़ देखिए, चीज़ जो है जो अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत ही शानदार खाना खाते हैं, तो वो जो है चीज़ खाते हैं, चीज़ ब्रेड पे वो जो है ढेर सारी सब्जी रख लेते हैं, उसमें चीज़ डालकर खाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वाह मैं तो राजा हूँ, काफ़ी ज़्यादा शान महसूस करते हैं। तो इस तरीके से रामचीत सिंह वल्लभ याद हो गया। नेक्स्ट है कंगाल की बेटी, कंगाल की बेटी का होगा हवलधारी रामगुप्त हलदर। दोस्तों कंगाल का मतलब क्या होता है, कंगाल का मतलब जिसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं होता है, जो खाली हाथ हो तो कंगाल हो जाता है। तो कंगाल की बेटी, कितना ख़राब लग रहा कंगाल की बेटी सुनने में, अगर वो रहता किसान की बेटी तो कितना अच्छा लगता किसान की बेटी। लेकिन दोस्तों एक स्टोरी है याद करने के लिए मैंने बनाया है कि एक बदमाश हवलदार था, हवलदार मतलब आप समझते हैं ना, हवलदार जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होते हैं, थानेदार होते हैं, हवलदार भी बोलते हैं उसको, तो वो उसका नाम था राम, ठीक है रामगुप्त। वो बहुत ही बदमाश था और वो किसान के यहाँ आया और उसका हल लेकर चला गया। एक बदमाश हवलदार था जिसका नाम रामगुप्त था, याद ना रखे भी तो चलेगा, वो क्या किया किसान का हल लेके चले गया। अब दोस्तों किसान का कोई हल ले जाए तो वो किसानी कैसे करेगा, किसानी नहीं करेगा तो वो अपना पेट का पालन कैसे करेगा, किसान ऐसे भी बहुत अमीर होते नहीं है, तो वो कंगाल हो जाएंगे और उसकी बेटी को लोग कहेंगे कंगाल की बेटी। पहले बोलते थे किसान की बेटी, अब उसका हल ही गायब हो गया, वो खेती नहीं कर रहा तो लोग उसे कह रहे हैं कंगाल की बेटी। तो आई होप आपको याद हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं घेरे के बाहर। दोस्तों कोई घर है, मान लीजिए ये एक घर है, घर है तो गेट ऑब्वियस सी बातें होगा। अब दोस्तों घर में मान लीजिए दो सदस्यों की लड़ाई हो गई, पति पत्नी या किसी की भी लड़ाई हो गई, तो एक बोल रहा है कि मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, तो घर छोड़कर जाने के लिए क्या उसे घर की दहलीज को क्रॉस करना होगा, यानी द्वार को क्रॉस करना होगा। तो उसके पति ने कहा, उसकी बीवी बोली कि मैं जा रही हूँ मायके, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो उसके पति ने बोला कि अगर तुमने ये द्वार को क्रॉस किया, यानी इस द्वार को पार करके गई, बाहर गई, अगर इस घेरे को पार करके गई तो तुम वापस मत आना। ये तो बहुत ही बेसिक सा स्टोरी है, आपको पता ही है घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो बीवी बोलती है कि मैं मायके जा रही हूँ, तो पति गुस्से में बोलते हैं अगर तुमने घर की दहलीज को क्रॉस किया, पार किया, या घेरे के बाहर, घेरे ऐसे ही बुक है इसलिए घेरा मैं बोल रही हूँ, घेरे के बाहर गई तो तुम मत आना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारी स्टोरी में घर के बाहर भी बोल सकते हैं, घेरे के बाहर तो है ही, और घर के बाहर जाने के लिए द्वार, द्वार को क्रॉस करना ज़रूरी है। तो घर के बाहर जाने के लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों, द्वार को पार करना, द्वार मतलब होता है गेट, तो घेरे के बाहर द्वारिका प्रसाद। आप ऑप्शंस देखेंगे आराम से ट्रिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रूपांतर या सनसनाते सपने। दोस्तों मैंने कल एक सपना देखा, सपने में क्या देखा मैंने, राधा कृष्ण जो है एक दूसरे का रूप बदल रहे हैं, मतलब राधा कृष्ण बन रहे हैं और कृष्ण राधा बन रहे हैं। इस तरीके से कुछ स्टोरी याद कर लीजिए कि कल मैंने सनसनाता हुआ सपना देखा, मतलब बहुत ही अजीब टाइप का सपना देखा, जिसमें राधा जो है कृष्ण बन गया और कृष्ण जो है राधा बन गई। तो ये राधा कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं या कोई पर्सन भी हो सकता है। तो रूपांतर हो गया यानी इनका रूप बदल गया, कृष्ण में राधा नजर आ रही है, राधा में कृष्ण, काफ़ी इजी है। तो रूपांतर, राधा का रूप कृष्ण ने ले लिया, कृष्ण का रूप राधा ने ले लिया, और ये एक सपना है तो सनसनाते सपने, ठीक है। आगे है वन लक्ष्मी और वन के मन। दोस्तों योगा करने में हमें मन लगता है कब, जब हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो आज के ज़माना में आपको लगता है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, आप घर की छत पे चले जाइए वहाँ भी कोई डिस्टर्ब करेगा, घर में, आंगन में, बाहर गार्डन में, तो सबसे अच्छा है कि आप चले जाइए कहाँ, योगा करना है तो वन चले जाइए, वन में आपको बहुत ही मन लगेगा। तो वन मन दोनों ही याद हो जाएगा आराम से, वन लक्ष्मी और वन के मन, और वन में क्या करने में मन लगता है, योगा करने में। पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, तो तपस्या करने के लिए, योगा भी एक तरह का तपस्या ही है, तो वो चले जाते थे, वन चले जाते थे, जंगल चले जाते थे। तो इस तरीके से वन के मन और वन लक्ष्मी आपको याद हो जाएगा, योगेंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट है पूनम एक याद, पूनम एक याद।
तो इसका हो जाएगा गोपाल दास मुंजाल। इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आप खुद से बना लीजिए। गोपाल दास मुंजाल का क्या होगा, सॉरी पूनम एक याद का क्या होगा, गोपाल दास मुंजाल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एक टुकड़ा सच और भारत बनाम इंडिया। एक टुकड़ा सच भारत बनाम इंडिया। तो दोस्तों देखिए, आज के ज़माना में कोई श्रवण कुमार नहीं है। श्रवण कुमार मतलब क्या, श्रवण कुमार एक बहुत ही अच्छा बेटा था। श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को, जो कि दोनों अंधे थे, उन्हें उनका साथ देते थे हमेशा के लिए। तो ये आज के ज़माना का एक सच है। क्या सच है कि भारत में, जो कि अब इंडिया कहलाता है, कोई भी श्रवण कुमार नहीं है, कोई भी या फिर बहुत कम है। श्रवण कुमार बहुत कम ही बचे हैं जो कि अपने माता पिता का साथ देते हैं। अभी तो आज के ज़माने में क्या होता है दोस्तों, विवाह के बाद लड़के काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं और माता पिता को घर से भी निकाल देते हैं। तो एक टुकड़ा सच तो ये है, एक टुकड़ा सच है कि भारत या इंडिया में कहीं भी चले जाओ, श्रवण कुमार मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरीके से याद हो गया भारत बनाम इंडिया। अगर जैसे ही देखेंगे आप भारत बनाम इंडिया, तो इंडिया की तो ये सच बात है कि श्रवण कुमार मिलना मुश्किल है, इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। या फिर एक टुकड़ा सच, ये एक सच्ची बात है कि श्रवण कुमार मिलना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है समर शेष है, समर शेष है, इसका हो जाएगा विनोद कुमार। विनोद कुमार इसका समर शेष का ट्रिक मुझसे नहीं बना दोस्तों, आप खुद ही ट्राई कर लीजिए। विनोद कुमार होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आखर चौरासी, आखर चौरासी का कमल। तो इसमें एक बहुत ही प्यारा ट्रिक मैंने बनाया है, आखिर चौरासी मीन्स आखिरकार चौरासी, ऐसे याद रखें आखिरकार चौरासी। तो हम क्या बोल रहे हैं आखिरकार चौरासी, तो कमल का देखिए क और ला निकालेंगे तो क्या बनेगा, कल। आखिरकार कल मैं चौरासी की हो जाऊंगी, आखिरकार कल मैं चौरासी की हो जाऊंगी। तो कलम तो किसी का नाम होगा नहीं, तो कमल ही होगा। तो इस तरीके से कमल आप टिक कर लेंगे, टिक ही तो करना है हमें एग्ज़ाम में, टिक ही तो करना है, किताब इतना सारा याद करके हम करेंगे क्या। तो आखिरकार कल मैं चौरासी की हो जाऊंगी, आखिरकार कल मैं चौरासी की हो जाऊंगी। तो ये ट्रिक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट गायब होता हुआ देश, इसका हो जाएगा रणेंद्र। इसका भी काफ़ी अच्छा ट्रिक है मेरे पास। देखिए दो देशों के बीच दोस्तों लड़ाई हो रही है, ए देश बी देश। तो लड़ाई को क्या बोलते हैं, युद्ध। युद्ध कहाँ होता है, युद्ध जो होता है युद्ध का मैदान को क्या बोलते हैं, रण क्षेत्र बोलते हैं। रण मतलब ही युद्ध ही होता है। तो ये देश लड़ रहा है, ए लड़ रहा है बी से, बी लड़ रहा है ए से एक दूसरे से। तो अगर ए हार गया तो बी क्या करेगा, अपने में मिला लेगा इसका ए वाला क्षेत्र को, एरिया को, और ये एक देश बन जाएगा बी, मतलब ए नाम का देश गायब हो जाएगा और ये बी बन जाएगा, यानी गायब होता देश। और देश कब गायब हो सकता है दोस्तों, जब युद्ध हो रहा हो और कोई जीत जाए और अपने देश में उसे शामिल कर ले। रण क्षेत्र बोलते हैं रणभूमि, रणभूमि मीन्स लड़ाई होने वाला भूमि जहाँ पे युद्ध होता है। तो रणभूमि में क्या होता है, एक देश गायब हो जाता है जो देश हार जाता है। तो इस तरीके से गायब होता हुआ देश याद आ गया। अब चलिए देखते हैं हम कि याद हुआ कि नहीं। आप आंसर मत देखिए दोस्तों, मैं बोलूँगी और आप याद करने की कोशिश कीजिए आंसर। तो पहला राजपूता निशान, राजपूता निशान देख के हमें लव हो जाता है, तो रामचीत सिंह वल्लभ। नेक्स्ट है कंगाल की बेटी। तो किसान का अगर हल चोरी हो जाए तो दोस्तों वो तो कंगाल बनेगा ही, तो हवलधारी राम गुप्त हलधर। घेरे के बाहर, अगर घेरे के बाहर जाओगी यानी घर के बाहर जाने के लिए हमें घर का द्वार को क्रॉस करना होगा, लांघना होगा, तो द्वार हो जाएगा द्वारिका प्रसाद। रूपांतर और सनसनाते सपने, रूपांतर राधा कृष्ण बन गई, कृष्ण राधा बन गए, ये रूपांतर हो गया। दूसरा सनसनाते सपने, ये मेरे सपने में आए थे राधा कृष्ण। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कल काली माँ मेरे सपने में आई थी, तो आप राधा और कृष्ण को देख लीजिए सपने में, क्या बड़ी बात है। तो कल मैंने सपने में राधा कृष्ण को देखा, ये हो गया। उसके बाद वन लक्ष्मी और वन के मन, तो वन में मन लगता है योगा करने में, योग जो करने में मन लगता है कहाँ, वन में, क्योंकि वन में हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो वन लक्ष्मी और वन के मन हो जाएगा योगेंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट है पूनम एक याद, ये तो पूनम एक याद, ये तो ट्रिक नहीं बना था मुझसे, तो इसका आंसर देख लीजिए आप, गोपाल दास मुंजाल। पूनम एक याद गोपाल दास मुंजाल, पूनम एक याद गोपाल दास मुंजाल, इस तरीके से 10-15 बार रटने से भी बहुत बार याद हो जाता है। नेक्स्ट है एक टुकड़ा सच, एक टुकड़ा सच, एक सच ये है, एक कड़वा सच ये भी है दोस्तों कि इंडिया में या भारत में जो है श्रवण कुमार मिलना काफ़ी मुश्किल है। आज के ज़माने में श्रवण कुमार मिलना मुश्किल है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी हो गया। समर शेष है, समर शेष है, इसका भी ट्रिक मैंने नहीं बनाया, विनोद कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट है आखिर चौरासी, कल मैं आखिर चौरासी की हो जाऊंगी, कल का कमल कर दीजिए कमल। गायब होता हुआ देश, तो रन होगा तो कोई ना कोई जीतेगा, तो देश तो गायब हो गई, तो गायब होता हुआ देश हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।